सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और दबाइए नोटिफिकेशन बेल को और पाइए मेरे हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष, आप देख रहे हैं क्या और कैसे। दोस्तों, फाइनेंस एक्सचेंज हैक्ड हो गया है, ऐसा ही एक न्यूज मार्केट में फैला हुआ है। जैसे ही मैंने सुना मैं तो शॉक्ड हो गया, तुरंत अपने बाइनेंस अकाउंट में लॉगिन किया और चेक करने लगा अपना बैलेंस। देखा कि मेरा अकाउंट सेफ है, मेरे बैलेंस अवेलेबल है, लेकिन मैं वहीं पे नहीं रुका। मैं जानना चाहता था कि सच में क्या बाइनेंस एक्सचेंज हैक्ड हो गया, हमारे को अपने क्रिप्टोकरेंसी वहां से ट्रांसफर कर लेने चाहिए क्या। मैंने रिसर्च स्टार्ट कर दिया ताकि आप लोगों को पुख्ता न्यूज दे सकूं कि बाइनेंस एक्सचेंज को क्या हुआ है, इसमें क्या चल रहा है, और मैंने पाया कि बाइनेंस एक्सचेंज हैक नहीं हुआ है। यहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज के सीईओ ने बताया कि बाइनेंस एक्सचेंज हैक नहीं हुआ है, लेकिन कुछ इरेगुलर ट्रेडिंग एक्टिविटीज हो रहे हैं जिसके वजह से उसने ट्रेडिंग को क्लोज कर दिया है और विड्रॉल भी डिसेबल कर दिया है और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि क्यों इस तरह का हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं एक ट्वीट पढ़ा, देखिए आपको दिखाता हूँ, क्रिप्टो आर्चर का। यहाँ पे ये कहते हैं, समवन हैक्ड द ट्रेडिंग बॉट यूज्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ पीपल, बाइनेंस इज नॉट हैक्ड, पीपल ट्रेडिंग ऑन बॉट्स गॉट कॉम्प्रोमाइज्ड, बॉट्स हैव द एपीआई की, बॉट्स सोल्ड देयर अल्टकॉइंस एंड बाउट वाया। देखिए, कुछ लोग ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि अपने अकाउंट के सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज करते हैं और अपने डिटेल्स ट्रेडिंग बॉट के साथ शेयर करते हैं ट्रेड करने के लिए, और उनके अकाउंट हैक हुए हैं, उनके अकाउंट से सारे अल्ट क्वाइन सेल हो गए हैं और वाया क्वाइन जो है वो बाय हो गया है। तो ऐसे में कुछ लोगों को प्रॉफिट भी हुआ है, कुछ लोगों को लॉस भी हुआ है, क्योंकि वाया क्वाइन आज जो अचानक से बाय हुआ है इसकी वजह से इसका प्राइस काफ़ी ग्रो हुआ है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज से तो लोग काफ़ी डर जाते हैं, यहाँ पे तो हैकिंग का बात आया है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद बाइनेंस की टीम ने कह दिया साफ कि वो ट्रेडिंग बॉट को अलाउ नहीं करते हैं और उन्होंने एपीआई को भी बंद कर दिया है और कुछ समय के लिए ट्रेडिंग डिसेबल कर दिया और विड्रॉल को भी डिसेबल कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं किस तरह से हुआ, किन के तरफ से हुआ, उसके कुछ समय के बाद वो सारा चीज़ नॉर्मल कर देंगे। चलिए मैं बाइनेंस का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ले चलता हूँ और यहाँ पर दिखाता हूँ आपको क्या ट्वीट आया है बाइनेंस की तरफ से। एक 6 आवर पहले का है, देखिए, ऑल फंड्स आर सेफ, there were irregularities in trading activity, automatic alarms triggered, some accounts may have been compromised by phishing from before, we are still investigating, all funds are safe। और यहाँ पे देखिए उसके बाद एक और ट्वीट इन्होंने किया है, we have localized the irregular trades, they will be reversed, all funds are safe thanks to the fast alarm। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इरेगुलर ट्रेड्स जो हुआ है उसको लोकलाइज्ड इन्होंने किया और वो सारा रिवर्स्ड कर दिया है इन्होंने। ठीक है दोस्तों, इन्हें फास्ट अलार्म मिला जिसका कि शुक्रिया अदा ये कर रहे हैं, जिसके वजह से ये एक्शन ले सके और यहाँ पे सारा फंड सेफ है, किसी को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा ये दिया हुआ वीडियो आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो, तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को पता चल सके कि बाइनेंस में क्या हुआ था, क्या चल रहा है, और वो अपना अकाउंट चेक कर लें, देख लें कि उनके फंड सेफ हैं या नहीं है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।